ओके सो गाइस, तो जिस वीडियो को आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कृष्णा भाई ने बनाया था और उसके साइड में मेरा भी वीडियो दिख रहा था। तो इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई काम कर रहे हो यार तो 2 मिनट के लिए साइड कर दो, इस वीडियो को पूरा देख लो। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, इससे आसान तरीका कोई भी आपको नहीं बताएगा क्लोथ चेंज वीडियो को लेकर। तो चलिए इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल सीख लेते हैं, इसको शूट कैसे करना है, कैसे एडिट करना है। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट में आपको अपना जो है यहाँ पे आ जाना है कैमरे ओपन करके, ठीक है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चला के आपको लिपसिंग कुछ भी नहीं करना है, अपने शर्ट को पकड़ना है और उसको जो है खींच के जंप कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, अपना क्लोथ चेंज करना है और आपने जिस शर्ट को फर्स्ट में पहना था उसको अपने यहाँ पे देख लो, अपने शरीर के ऊपर रखना है और इसको फेंक के जो है जंप कर लेना है। कुछ इस तरीके से एक्टिंग वगैरह कर लेना, जैसे आपको एक्टिंग करना आता है कर लेना। उसके बाद इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके सो गाइस, तो देख पा रहे सिंपली काइन मास्टर के अंदर आ चुका हूँ। तो आप लोग भी अपने फ़ोन के अंदर काइन मास्टर ओपन कर लेना। काइन मास्टर जो है सबसे बेस्ट ऐप है, ठीक है, क्लोथ चेंज वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो सबसे पहले काइन मास्टर ओपन कर लो। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो यार आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ काइन मास्टर, अगर ये आपको चाहिए तो आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, वहाँ पर आके मैसेज करना है, मैं आपको अपना वाला काइन मास्टर सेम दे दूंगा। तो सबसे पहले काइन मास्टर ओपन करके प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे 16.9 वाला जो रेशियो है इसको सेलेक्ट कर लेना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखते रहना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो दोनों वीडियो को भी शूट किया था, दोनों पार्ट को, उस वीडियो को यहाँ पे दोनों को बारी बारी से ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट और सेकंड अपना दोनों पार्ट जो है यहाँ पे सिंपली ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अभी चलिए हम इस वीडियो को करते हैं, क्या है इसमें हमें कट वगैरह लगाना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम करेंगे इस लेयर के ऊपर क्लिक, वीडियो के साउंड पे क्लिक करेंगे और साउंड जो है कर देंगे बंद। इसी तरीके से दूसरे वाले वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे, इसका साउंड जो है यहाँ से सिंपली बंद कर देंगे। अब एक बार से वीडियोस को हम करेंगे प्ले और हम जहाँ पे मतलब कि जंप लगाए हैं, कपड़े को चेंज किए हैं, उस पोजीशन पे ले जाके इस वीडियो के अंदर कट लगाएंगे। तो यहाँ पे वीडियोस को मैंने कर दिया है प्ले आपके सामने, तो आप लोग भी देखते रहो। आपको उस पोजीशन पे जाना है जहाँ पे आपने उछला था, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने उछल चुका है, तो थोड़ा सा इस लेयर को जो है आपको पहले जूम कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उस पोजीशन पे लेके जाना है इस वीडियो को जहाँ पे आपने जंप किया था। तो अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी देखते रहो आप अच्छे से, उस पोजीशन पे ले जाके आपको कट करना है। तो हाँ, यहाँ पे इस पोजीशन पे थोड़ा सा पीछे कुछ इस तरीके को आप इसी को जो आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पे लेके आना है और सिंपली इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और कैंची पे क्लिक करना है और सेकंड वाला जो है ना दे रहा है ट्रिम टू राइट प्ले हिट, इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो इधर का पार्ट जो है वो गायब हो जाएगा। अब दूसरे वाले पार्ट में हम इसको एडिट करना है, तो दूसरे वाले पार्ट को चालू करेंगे और सेम उसी को भी वहीं पोजिशन पर ले जाएंगे जहाँ पर हम अपने क्लोथ को ऊपर की तरफ ले जाकर फेंके हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लिए मैंने जंप मारा है, थोड़ा सा पीछे करेंगे वीडियो को, लेयर को जूम करेंगे और हम उसको उस पोजीशन पे ले जाएंगे जहाँ पे हमने जो है जंप किया हुआ है, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं हमने जंप कहाँ पे किया हुआ है, उसी पोजीशन पे ले जाना है जितना कि हमने उसमें जंप किया था। तो यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर का जो पार्ट है इसको डिलीट करेंगे। तो कैंची पे क्लिक करेंगे और सिंपली सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इधर का पार्ट डिलीट कर देंगे। तो एक बार से देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है किस तरीके से बना है। तो वीडियोज़ को मैंने कर दिया है प्ले, आप लोग देखते रहो किस तरीके से यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो काम कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन काफ़ी मस्त तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली इसको इसके अंदर साउंड डालना है। तो साउंड डालने के लिए सबसे पहले इस लेयर को करेंगे छोटा, ठीक है, दोनों फिंगर से छोटा कर लेंगे और इसको स्टार्टिंग पोजीशन पर रख के सिंपली लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करेंगे और ये जो यहाँ पे जो कृष्णा भाई का जो वीडियो है टिकटॉक से डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कैंची के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे में एक्सट्रैक्ट आईडियो कर देंगे तो इस वीडियो का जो आईडियो है नीचे लग जाएगा। तो इस वीडियो को कर देंगे यहाँ से डिलीट और साउंड नीचे में लग चुका है। तो अब हम इसको साउंड के साथ जो है मैच करेंगे। तो चलिए हम इसको साउंड के साथ मैच करके आप लोगों को दिखाते हैं एक बार से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें साउंड मैच हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो ये जो यहाँ पे हमें ये वाला जो पोजीशन है ना यहाँ पे रखना है। तो इसको हम इसको दबाए रखेंगे और इस पोजीशन को सिंपली यहाँ पे रखेंगे। तो एक बार से और देख लेते हैं कि मैच हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल मैच हो चुका है। तो अब इधर देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है, तो इसको हम करेंगे क्या कि सिंपल ये जो हमारा म्यूजिक का है ना इसको इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको खींच के स्टार्ट अंत में ले जाएंगे यहाँ पे। और सिंपली अब करना क्या है, अब अपने वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, कैंची पे क्लिक करके इधर से फर्स्ट वाले पे क्लिक करके पार्ट को कर देंगे डिलीट, ठीक है। और इस साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे रख देंगे, ठीक है। और सेम इधर देखेंगे, इधर एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको भी सेम यहीं पे ले आएंगे और कैंची इधर अपने वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे कैंची पे और इधर से इसका भी पार्ट डिलीट।
अब हमारा वीडियोस कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमें स्लो मोशन डालना है, तो स्लो मोशन डालने के लिए हमें करना क्या है, जैसे हम यहाँ से स्लो मोशन देना चाहते हैं तो सिंपली थोड़ा सा पीछे यहाँ पे स्लो मोशन देंगे तो यहाँ पे एक कट लगाना होगा। तो कैंची पे क्लिक करेंगे, तीसरे नंबर पे क्लिक करके एक कट लगाएंगे, थोड़ा सा और आगे करेंगे, एक सेकंड पे कट लगता है। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और इस वाले पार्ट को जो है मैं स्लो करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके बैक करूँगा और स्पीड कंट्रोल पर जाऊँगा और इसको इतना कुछ स्लो कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा वीडियो स्लो हो जाएगा और इधर पार्ट देख पर है बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको हमको कट करना है, इस म्यूजिक के बराबर पे रखना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके लेयर पे पार्ट को कट कर देंगे। अब देख पा रहे हैं वीडियोस कम्प्लीटली बन चुका है। अब इसके अंदर हमें इफेक्ट डालना है, जो कि आप लोगों को मैंने इफेक्ट दिखाया था, तो उस इफेक्ट को डालने के लिए सिंपली इस बीच वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको लास्ट में खींच के ले जाएंगे इस पोजीशन पे। फिर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ लेयर जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ओवरले पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है ये सब नहीं दिखेंगे इफेक्ट, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में दिखा दूँ, ये जो ग्रेट मोड दिख रहा है ना, आप अपना इंटरनेट ओपन करके इस ग्रेट मोड पे क्लिक करोगे तो ये सारे इफेक्ट आपको दिख जाएंगे। तो आपको ये जो फायर बॉर्डर वाला दिख रहा है इफेक्ट, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको दूसरा वाला जो है इसको यूज करना है। दूसरे वाले को क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको कुछ ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करेंगे और इसको जूम करके इसको स्क्रीन पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्रीन पे जो है इस तरीके से सेट कर लिया। अब सिंपली आपको ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पॉप कर लेना है, ठीक है। पॉप कर लोगे तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा, काफ़ी मस्त लगेगा। पॉप करने के बाद यहाँ से बैक कर देना और सेकेंड वाले पर क्लिक करना, इस वाले पर, और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कौन सा यूज़ करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये वाला आपको यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से करेगा। तो इसको यूज करके बैक करना है और आपको और नीचे में चले जाना है, ब्लेंडिंग जो दिख रहा है इसके ऊपर आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आपको हार्ड लाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। हार्ड लाइट पे कर दोगे क्लिक तो इसका जो कलर है इफेक्ट का चेंज हो जाएगा, पीले कलर में हो जाएगा। तो अब हमारा वीडियोस कम्प्लीटली बन के रेडी है, इसको बराबर पे कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब एक बार से वीडियोस को आप लोगों को म्यूजिक के साथ बड़ी स्क्रीन में करके दिखाता हूँ प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, तो पूरा साउंड नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा साउंड आप लोगों को यहाँ पे मैं सुना देता हूँ। तो स्टार्टिंग का साउंड बंद करूँगा और आगे चल के साउंड भी सुनाता हूँ आपको। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। देख पा रही यार क्या कमाल का वीडियोस बन चुका है, इतना आसान तरीके से मैं आपको बताया। तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को दबा लेना। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फुल HD करके इसको अपने गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट करके TikTok ID पे जाके अपलोड कर देना है।